नेपाल स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं बहुत सारे पावरफुल वर्ड्स विथ वोकैबुलरी। आपने वीडियो के थंबनेल में भी देखा होगा, ऐसी वोकैबुलरी डेफिनेटली आपको बोलनी तो होती है लेकिन कई बार आपको ये पता नहीं होता है। तो वोकैब भी सीखेंगे, ग्रामर भी सीखेंगे, क्योंकि वोकैब इंप्रूव करना लैंग्वेज में एक चैलेंजिंग टास्क है। हमारे इस चैनल पर हमने काफी सारे वीडियोज बनाए हैं जो आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए मदद करेंगे। हालांकि वोकैबुलरी बहुत सारी है लेकिन उन सभी में से हमारे लिए जो यूजफुल है उन्हीं वोकैबुलरी को हम सीखें तो हमें लैंग्वेज बोलते हुए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक का टाइटल मैंने दिया पावरफुल वोकैबुलरी विद ग्रामर। तो क्वेश्चन कैसे पूछना वो भी आपको बताने वाला हूं मैं, साथ में आप नोटबुक पेन लेके बैठा करें ताकि आपको अगर लिखने की जरूरत हो तो आप लिख पाए, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन ऑलमाइटी। जैसे आपने वर्ड गॉड को सुना होगा, भगवान के लिए इंग्लिश में हम गॉड बोलते हैं, लेकिन भगवान से भी ऊपर आपको बोलना है परमेश्वर परमपिता, तो उनको इंग्लिश में आप ऑलमाइटी बोल सकते हैं। ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग गॉड में हमेशा जी कैपिटल लेटर में होता है, इसी प्रकार से ऑलमाइटी में भी आप देखेंगे हर जगह जो मैंने ए लिखा है दैट इज इन द कैपिटल फॉर्मेट, राइट। सो ये एक ग्रामर का रूल आपको याद रखना है कि जहां पर भी गॉड लिख रहे हैं या ऑलमाइटी लिख रहे हैं तो गॉड और ऑलमाइटी में पहला लेटर जो है वो कैपिटल आएगा, राइट। तो डू यू बिलीव इन ऑलमाइटी, क्या परमेश्वर में विश्वास करते हैं। तो बिलीव एक वर्ब है, एक क्रिया है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या परमेश्वर में विश्वास करते हो। तो डू यू बिलीव इन ऑलमाइटी मैंने लिखा, तो पॉजिटिव आंसर बोला यस आई बिलीव इन ऑलमाइटी, यस मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं, तो मैंने बोला आई बिलीव इन ऑलमाइटी। अब आपने मुझे तुरंत क्वेश्चन पूछा क्यों करते हैं, तो पूछा व्हाई डू यू बिलीव इन ऑलमाइटी, माने आप परमेश्वर में विश्वास क्यों करते हो, राइट। तो पॉजिटिव आंसर दिया मैंने, आई एम अ थीस्ट पर्सन, थीस्ट, तो थीस्ट मींस होता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो भगवान में विश्वास करता है उसको थीस्ट कहते हैं। इसका अपोजिट अथीस्ट होता है, इसके आगे मैं ए लगा दूंगा, तो अथीस्ट माने नास्तिक होता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको अथीस्ट बोलते हैं। तो आई एम अ थीस्ट पर्सन, मैं एक आस्तिक इंसान हूं, मैं ईश्वर में विश्वास करने वाला हूं। दैट्स व्हाई आई फर्मली, फर्मली माने मजबूती से, बिलीव इन ऑलमाइटी, मैं कठोरता से फर्मली मजबूती से ईश्वर में विश्वास करता हूं। अब यही क्वेश्चन अगर आप थर्ड पर्सन पे ट्रांसफर करते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा व्हाई डज ही बिलीव इन ऑलमाइटी, माने वह ईश्वर पर विश्वास क्यों करता है, व्हाई डज ही बिलीव इन ऑलमाइटी। तो इसका आंसर मैंने दिया है ही बिलीव्स इन ऑलमाइटी, वो परमेश्वर में विश्वास करता है। तो आपने ग्रामर में देखा कि अगर आई के साथ आप बोलते हैं तो एस नहीं लगाते हैं, सिंगुलर के साथ आप बोलते हैं तो बिलीव में आपने एस लगाया, बिलीव्स इन ऑलमाइटी, वो जो है परमेश्वर में विश्वास करता है, बिकॉज क्योंकि, अब उसके मल्टीपल रीजन है। सबसे पहला है ऑलमाइटी इज ओमनीपोटेंट, वेरी यूजफुल और इफेक्टिव वर्ड, याद रखिए ओमनीपोटेंट का हिंदी अनुवाद होता है सर्वशक्तिमान। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि आपको माइथोलॉजिकल स्टोरी में आपने सुना होगा कि लॉर्ड कृष्णा ने एक उंगली पर जो है गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो दैट पावर यू कांट सी इन एनी ह्यूमन बीइंग और एनी क्रीचर इन द वर्ल्ड, राइट। सो दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं कि ओमनीपोटेंट माने सर्वशक्तिमान है, उनसे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है, उनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, तो हम सिंपली वर्ड उनके लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ओमनी का मतलब होता है ऑल, मतलब उनके जितनी शक्ति किसी में नहीं है, तो ऑलमाइटी इज ओमनीपोटेंट, राइट, उच्चारण भी साथ में देखते जाइएगा। दूसरा है ऑलमाइटी इज ओमनीप्रेजेंट, माने सर्वत्र है, सभी जगह है, एवरीवेयर है, तो इंग्लिश में बोलोगे ऑलमाइटी इज ओमनीप्रेजेंट, सर्वत्र है, सर्व जगह है, सर्वव्यापी है। तीसरा है ऑलमाइटी इज ओमनीसेंट, ओमनीसेंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, जिनको सब कुछ पता होता है, जैसा आपने वर्ड बोला होगा कई बार अंतर्यामी, क्या मैं अंतर्यामी हूं, तो अंतर्यामी को इंग्लिश में ओमनीसेंट कहते हैं, तो उनको सब कुछ पता है, एवरीथिंग ही नोस, देयर इज नथिंग जो उनको नहीं जानकारी है, तो बोलोगे ऑलमाइटी इज ओमनीसेंट, राइट। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है वोकैबुलरी इंप्रूव करने के हिसाब से, सम पीपल आर ओमनीवर्स, राइट, ओमनीवर्स का मतलब होता है सर्वभक्षी, जो मांस और साग दोनों खाते हैं, जैसे आप सिंपली वेजिटेरियन जानते होंगे, जैसे मैंने कहा आई एम अ वेजिटेरियन, मतलब मैं शाकाहारी इंसान हूं, तो मैंने बोला आई एम अ वेजिटेरियन, बट शी इज नॉन वेजिटेरियन, बट वो जो है एक लड़की के लिए मैं बोल रहा हूँ शी इज नॉन वेजिटेरियन, माने वो मांसाहारी है,
यहां मैंने कहा मैं शाकाहारी हूं, लेकिन वो जो है वो मांसाहारी है। फिर तीसरा वर्ड यहां पे देखिए, जैन्स आर वीगन। वीगन वर्ड यूज किया जाता है जो एग्स भी नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हो सकता है, एग खाता हो या लसन या प्याज खाता हो, तो उसमें आप वेजिटेरियन बोल सकते हैं। लेकिन जैन जो होते हैं या स्वामीनारायण जो लोग होते हैं वो ज्यादातर खास तौर पे ये भी नहीं खाते हैं। तो जैन्स आर वीगन। अगर आप में भी आप ऐसे हैं जो लसन प्याज या एग नहीं खाते हैं, तो आप अपने आप को वीगन कह सकते हैं, आई एम अ वीगन, राइट। अब आप ये ध्यान रखिए, काउ को वेजिटेरियन नहीं कह सकते, यू कैन नॉट से दैट काउ इज अ वेजिटेरियन। अब ऐसे प्राणी जो सिर्फ खास तौर पे प्लांट्स खाते हैं और वो प्लांट्स पे जिंदा हैं, तो उनके लिए आप हर्बीवर्स बोलेंगे, काउ इज हर्बीवर्स, राइट। मीन्स काउ जो है वो शाकाहारी है, तो वहां पर हम वेजिटेरियन ना बोलकर काउ के लिए हर्बीवर्स बोलेंगे, राइट। फिर लायन जो है वो क्या है, मांस पक्षी है, वो सिर्फ मांस खाता है, तो उसके लिए बोलेंगे कार्निवरस। खास तौर पे एनिमल्स में ही ये चीज पाएंगे कि उनकी कैटेगरी ऐसी है कि सिर्फ शाक खाने वाले हर्बीवरस कहलाएंगे, सिर्फ मांस खाने वाले कार्निवरस कहलाएंगे। अब आपका प्रश्न यहाँ पे ये हो सकता है, कुछ इंसान भी ऐसे हो सकते हैं जो मांस खाते हैं, लेकिन एक चीज जो चैलेंजिंग और गारंटेड, मैं आपको ये कह सकता हूं कि इंसान में कोई भी ऐसा नहीं है जो साल के 365 दिन सुबह शाम रात मींस ब्रेकफास्ट लंच डिनर में मांस खाता हो, बिकॉज दैट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, बिकॉज गॉड हैज नॉट डिजाइन ए ह्यूमन बीइंग स्पेशली टू ईट द नॉन वेज, दैट इज वाई वो साग और मांस दोनों खाता है। तो इसलिए यहां पर हमने लिया सम पीपल आर ओमनीवरस। ओमनीवरस का मतलब होता है सर्वभक्षी, मैंने साग भी खाता है मांस भी खाता है। ऐसे इंसान जो साग और मांस दोनों खाते हैं उसको इंग्लिश में ओमनीवर्स कहते हैं। एनिमल में भी ये चीज पाई जाती है, सम एनिमल्स आर ओमनीवर्स। डॉग को ले लीजिए, कैट को ले लीजिए, फॉक्स को ले लीजिए, ये कॉमन एग्जाम्पल है, जो साग भी खाएंगे, मीन्स आप उनको रोटी देंगे तो भी खा सकते हैं, मांस भी खाएंगे। तो डॉग है, डॉग कैट बोथ आर ओमनीवर्स, राइट। तो ओमनीवर्स जो वर्ड है वो एनिमल्स के लिए और इंसानों के लिए दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कार्निवरस अपने लिए नहीं बोलोगे कि आई एम अ कार्निवरस या आई एम अ हर्बीवरस। अपने लिए आपको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगन और ओमनीवरस वर्ड का यूज कर सकते हैं। आई होप आपने काफी यूजफुल वोकैबुलरी इसमें सीखी है, बिकॉज ये सारे वर्ड्स आपको डेफिनेटली बोलने ही पड़ते हैं। अगर आपको डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगा है तो यू शुड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।